करेंगे। ये मैक्सिको का परिवार है जो 11 साल से भारत में ही है। आप हरे कृष्णा, मेरा नाम रोहिणी नंदन है। रस केलीदासी। पूर्णिमा। कृष्ण किशोर। राधा प्रिया। मेरा देश मैक्सिको से। यहाँ वृंदावन में क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं? भगवान को देखने जाओ मंदिर में। तो भजन कीर्तन करती हैं? हाँ जी। एक भजन सुनाइए। अच्छा, जय जय राधा रमना हरि बोल। जय जय राधा रमना हरि बोल। सो वृंदावन इज द बेस्ट प्लेस फॉर माय किड्स टू ग्रो अप। अच्छा कृष्ण किशोर, पापा यहाँ आ गए 10 साल से भारत में हैं, आपका जाने का वापस मन नहीं करता क्या? नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वृंदावन में रहने के बाद मन निधर ही लगता है। भारत इज द बेस्ट ऑफ द कंट्रीज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ वृंदावन। इंडिया वांट्स टू इमिटेट द वेस्ट बिकॉज देयर इज सो मच इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड साइंस, बट वेस्टर्नर्स वी आर फेड अप ऑफ दिस, वी आर टायर्ड ऑफ दिस। वी ऑलरेडी नो दैट बाय मटेरियल मींस यू नेवर कैन बी हैप्पी। So now Westerners are coming to India to learn spiritual practices and bhakti and... नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वृंदावन में। वृंदावन में लगातार मैं आपको विभिन्न प्रकार के साधु, संत, महात्मा, तपस्वी, साधकों के साथ संवाद श्रृंखलाएं दिखा रहा था, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूँ जो आज से पहले मेरे इस पूरे YouTube चैनल पर आपको देखने को नहीं मिली होगी। जी हाँ दोस्तों, ये जो पूरा परिवार आप देख रहे हैं ये भारतीय परिवार नहीं है, ये विदेशी परिवार है। अब ये कहाँ का परिवार है, कहाँ के रहने वाले हैं, कौन से देश के हैं, कौन सी भाषा के लोग हैं, ये अब हम इनसे जानेंगे और आपको दिखाएंगे। और ये लोग वृंदावन में हैं, वृंदावन में ये लोग क्या करते हैं, कब आए, कैसे आए, क्या कर रहे हैं, कब तक रहेंगे, इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा। तो चलते हैं सीधा। ये पिताजी हैं, ये माताजी हैं, ये इनका सुपुत्र है, ये इनकी बेटी है और ये उनकी बड़ी बेटी है। तो नमस्ते। हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहिणी नंदन है। रोहिणी नंदन है। रोहिणी नंदन जी का परिवार है ये। रोहिणी नंदन जी हैं। आपका नाम क्या है? रस केली दासी। आपका? पूर्णिमा। पूर्णिमा। आपका? कृष्ण किशोर। आपका? राधा प्रिया। कृष्ण किशोर, रोहिणी नंदन, पूर्णिमा, ये भारतीय नाम है दोस्तों। किस देश से हैं आप? मेरा देश मैक्सिको से। मैक्सिको? अमेरिका से। अमेरिका से हैं? अमेरिकन कॉन्टिनेंट में मैक्सिको देश है। यह पूरा परिवार वहीं से। किस कौन से साल में भारत आ गई? पहले 77। सबसे पहले 1977 अकेला ना। अच्छा। मैं पहले ब्रह्मचारी है। आप? हाँ। अच्छा, पहले जब ब्रह्मचारी थे तब आए थे? हाँ, मेरा परिवार 10 साल वृंदावन रहते। 10 साल से वृंदावन में? हाँ। 10 साल से रोहिणी नंदन जी का परिवार वृंदावन में है। रोहिणी नंदन जी की बेटी पूर्णिमा, उनका बेटा कृष्ण किशोर, उनकी बेटी राधा प्रिया, उनकी धर्म पत्नी, ये सब लोग। आप इनका परिधान देखिए दोस्तों, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इनका बेटा कृष्ण किशोर, ये कुर्ता है, ये गमछा है राधे कृष्ण का, ये इनकी धोती है, ये पूरी इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस में है। माताजी पूरी साड़ी में है, इनकी बड़ी बहन पूरी भारतीय परिधान में है। आपको कैसे लग रहे हैं ये लोग? मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। अच्छा कृष्ण किशोर, पापा यहाँ आ गए 10 साल से भारत में हैं, आपका जाने का वापस मन नहीं करता क्या? नहीं करता। क्यों? क्योंकि गए थे वीज़ा और सब लीगल चीज़ों के लिए गए थे एक बार, लेकिन जब यहाँ पर वृंदावन में रहने के बाद मन निधर ही लगता है। अच्छा। हाँ जी। एक दो बार गए पर यहाँ से मन यही लग रहा है आपका? हाँ जी। तो कभी पापा से लड़ाई झगड़ा नहीं करते भाई बहन की, हमको तो जाना है? बहने कभी झगड़ती नहीं कि वापस चलो? नहीं करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा कौन है तीनों में? मैं। आप सबसे बड़े हैं, फिर उसके बाद आप। हाँ। फिर आप। अच्छा, कैसे आपको प्रेरणा मिली कि पूरे परिवार को लेके वृंदावन चला जाए? हम लोग सेवा कर रहे हैं ना। अच्छा। भक्ति कर रहे हैं। अच्छा। मैं एक किताब पढ़े, भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद किताब, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। वंस आई रेड हिज बुक्स, आई वाज वेरी अट्रैक्टेड। आई जॉइन हरे कृष्ण मूवमेंट एट द एज ऑफ 15 ईयर्स in Mexico.
And then I practiced as a brahmachari for a few years, preaching, going to different countries, including Africa, and doing book distribution. कितने देश में हो आए अब तक? I've been in many, many countries, maybe 30. सिर्फ भारत में आके भारतीय परिधान में यहाँ जीवन यापन नहीं कर रहे हैं 10 साल से, इससे पहले 30 देशों में भारतीय ग्रंथों का प्रचार भी कर चुके हैं. ये अपने आप में प्रेरणास्पद है. दोस्तों, रोहिणी नंदन से पहले क्या नाम था? गुंजालू नाम था. गुंजालू से रोहिणी नंदन बन गए. आपका नाम पहले क्या था? Rasakeli, same. My I born in Krishna consciousness movement. अच्छा, पहले से ही रसकेली. रसकेली का मतलब क्या होता है? वो जो रस माने, वो जो केली माने लीलाएं. अच्छा, तो वो जो हमेशा रस के लीलाएं में मग्न रहती है. मग्न रहती है, जो लीलाओं में मग्न रहती है वो रसकेली है. तो कौन कौन हिंदी जानता है आप लोगों में? हम तीनों हिंदी बोलते हैं, और पिताजी को भी समझ में आते, धीरे धीरे बोलते हैं, तब बोलने में थोड़ी दिक्कत. और माताजी? माताजी वो समझ लेती हैं, थोड़ी समझ लेती हैं. कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 8th class में. अच्छा, तो क्या यहाँ वृंदावन में क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं? मंदिर जाने. अच्छा. भगवान को देखने जाओ मंदिर में. अच्छा, और यहाँ 10 साल हो गए आपको भी? हाँ. आपको भी 10 साल हो गए, तो दोस्त बने कुछ भारत के फ्रेंड्स? यस, स्कूल में जाती हूँ ना. अच्छा अच्छा अच्छा, तो भजन कीर्तन करती हैं? हाँ जी. एक भजन सुनाइए. अच्छा, चलिए छोटा सा, 4 लाइन. चलिए सब 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 गाएंगे, सब गाएंगे, ठीक है. जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल. पूरा परिवार मेक्सिको छोड़ आया, 10 साल से भारत में है, वृंदावन में है, प्रचार करता है पूरा परिवार हिंदी के, राधा रमण हरि बोल के रस में रंगा हुआ है, आप देख रहे हैं. अच्छा, राधा प्रिया कौन सी क्लास में हो? 6th में. कितनी उम्र है आपकी? है 12. एंड योर्स? 16. एंड योर? 15. आपकी? 35. आपकी? 50. में सब लोग समन्वय बनाकर, आप देख रहे हैं कितना सुंदर परिवार है इनका. सब लोग भक्तिमय रंगे हुए हैं, सब लोग कृष्ण के प्रेम में रंगे हुए हैं. अच्छा, आप कैसा लगता है वृंदावन में आपको? हैं? सब कुछ लगता है. सब कुछ अच्छा लगता है, जैसे एक दो चीज बताओ ना. मंदिर. हाँ. जयपुर अच्छा लगता है. जयपुर. और पूरी नवद्वीप. पूरी नवद्वीप भी गई है? हाँ. अच्छा, मायापुर. मायापुर. 6th class में हो ना? क्या क्या पढ़ाई करते हो? हिंदी, मैथ्स. अच्छा. हिस्ट्री. हिंदी बोल लेती हो, समझ लेती हो अच्छे से? हाँ. अच्छे से समझ में आता है? हाँ. अच्छा अच्छा, आप क्या काम करते हैं आजीविका चलाने के लिए? मैं डॉक्टर हूँ. डॉक्टर MBBS? आयुर्वेदा और चाइनीज मेडिसिन. चाइनीज एक्यूपंक्चर. एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर सब करते हैं. एक्यूपंक्चर और आयुर्वेदा, होम्योपैथी. तो करते हैं कुछ काम? क्या क्लिनिक है आपका? ना ना. हाँ. सेवा सिर्फ डिवोटी. भक्त लोग के लिए बीमार हो जाते हैं या वृद्धावस्था में आए हैं तो उनकी सेवा करते हैं. उनकी सेवा करते हैं. लेकिन आपका 5 जनों का परिवार है, तो घर कैसे चलाते हैं? मैं रिटायर. रिटायर हो चुके हैं, तो पेंशन मिलती है क्या? स्टूडेंट आई हैव इंटरनेट टीचिंग ऑनलाइन. ऑनलाइन? ऑनलाइन उससे पैसा कमाते हैं? हाँ जी, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं इनके आयुर्वेद के. अच्छा अच्छा. एक्यूपंक्चर के, चाइनीज मेडिसिन वगैरह. चाइनीज? अच्छा, उनको पढ़ाते हैं ऑनलाइन और फिर भक्ति करते हैं बाकी समय में. और आप क्या करती हैं? होम. होम. आप क्या कहना चाहेंगी देशवासियों को? इतना अच्छा आपका परिवार है, लोग अपना पूरा परिवार लेके अमेरिका जा रहे हैं, लेके ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, आप पूरा परिवार लेके भारत आ गए, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग यहाँ से भाग रहे हैं? इंडिया इज द बेस्ट प्लेस फॉर रियली यू अंडरस्टैंड हु यू आर. नो, टू अंडरस्टैंड वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर आत्मा. सो वी वांट टू हैव something also for our atma, no? Our soul. So Vrindavan is the best place for do that, because here you
every place where you go, you remember Krishna, you have the contact with devotees of Krishna, so it's the best place for my kids to grow up. That's why I came to Vrindavan. अच्छा एक सवाल आपसे मेरा पूछने का मन हुआ, क्योंकि 30 देशों में आपने घूमा है, 30 देशों में प्रचार किया है, तो क्या चीज़ें लगी उन 30-35 देशों में जो आप मिस कर रहे हैं, लेकिन भारत में आपको लगता है वो सब चीज़ें हैं जो उन देशों में नहीं थी? सी द डिफरेंस विद द वर्ल्ड एंड इंडिया इन यू नो एनी कंट्री इज दैट इन इंडिया पीपल इज कृष्णा कॉन्शियस, दे ऑल रिलीजियस मोस्ट ऑफ the people and they are inclined to practice spirituality. So that makes a great difference. India is the most pious country in the world, and that's why the holy rivers are here, like Ganga, Jamuna, Saraswati, Narmada. And wherever you go to India, you find something related to spiritual tradition. So that's why Bharat is the best of the countries. And Bharat is the best of the country because the presence of Vrindavan. And Vrindavan is the best of the places because Radha and Krishna, in the scriptures, it says Krishna Varna Tusa Krishnam, Sangopangastraparshadam Jagnya Sankirtanam Prajar Jayanti Hi Sumedasa. That means that persons with intelligence in this age of Kali will worship the hidden incarnation. Say that Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada appeared many years ago in 1896. He was the person that took so much struggle to bring the teachings of Chaitanya Mahaprabhu and all the acharyas to the Western world so that a spiritual revolution could take place. And this is a spiritual revolution. India wants to imitate the West, you know, because there is so much economical development and science. But Westerners, we are fed up of this. We are tired of this. We already know that by material means you never can be happy. So now Westerners are coming to India to learn yoga, to learn spiritual practices, and hopefully bhakti, and take the teachings of Chaitanya Mahaprabhu and the Vaishnav tradition. आखिरी सवाल आपसे, भारत के लोग जो भारत में आपके पिताजी ने बताया, बहनों ने बताया, माताजी ने बताया इसकी महानता को, लेकिन भारत के लोग कहते हैं भारत में तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो गंदगी इतनी है, यहाँ पर तो कुछ चीज़ें हैं ही नहीं, यहाँ एजुकेशन नहीं है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है, हम तो बाहर जाएंगे, उनको आप कैसे क्या क्या कहेंगे उनको? उनको ये कहना है कि हाँ, उन देशों में बाहर से सफाई बहुत है, पैसे है सब, लेकिन एक कहावत है इंग्लिश में, व्हाटएवर शाइन्स इज़ इन गोल्ड, जो भी कुछ चमकता है वो सोना नहीं होता है. वहाँ भले ही सब कुछ अच्छे से साफ है, चमकता है, लेकिन जो अंदर गंदगी भरी हुई है वो यहाँ पे हम उसको साफ़ कर सकते हैं हरिनाम करके. और हाँ, गंदगी जब हमारे हृदय के अंदर इतनी गंदगी है, हमारे अनर्थ हैं, काम, लोभ, क्रोध, इन सब चीज़ों से हमारे हृदय, हमारा मन भरा हुआ है, क्योंकि हम जब ठाकुर जी कृष्ण भगवान से विरोध हो जाते हैं ना, उनके शक्ल उनके तरफ से अलग करके माया की ओर की तरफ चलते हैं, तो वो चीज़ें अपने आप ही हमारे हृदय में अंदर आ जाएंगे, तो फिर बाहर प्रकट कैसे नहीं होंगे. लास्ट में आप लोगों का सबका एक भजन संकीर्तन, एक बार एक भजन. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव. दोस्तों, आपको रोहिणी नंदन जी कैसे लगे, आपको उनके पुत्र कृष्ण किशोर दास कैसे लगे, आपको उनकी छोटी बेटी
राधा प्रिया कैसी लगी आपको, उनकी धर्म पत्नी रसक कली जी कैसी लगी आपको, उनकी बड़ी बेटी पूर्णिमा कैसी लगी, ये हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इन पांचों में से किसकी बात सबसे ज़्यादा आपको अच्छी लगी, किसकी बात ने आपको सबसे ज़्यादा छुआ, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या आप इनके और भी इंटरव्यूज़ देखना चाहते हैं अलग अलग अलग, तो वो भी आप हमको बताइएगा, हम आप इनके पास फिर आएंगे, फिर इनके साथ बात करेंगे। ये मैक्सिको का परिवार है जो 11 साल से 10 साल से भारत में ही है, अब भारत में ही रहेगा, भारत से जाएगा नहीं, यहीं कृष्ण की भक्ति करेगा, यहीं ईश्वर को प्राप्त करने की अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएगा। यदि आप इसको पसंद करते हैं तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ साझा ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए साधक किसी नए साधिका के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।